So, next, our next topic is DNA barcoding. Uh, and first of all, we will discuss its introduction. What is DNA barcoding? Uh, first of all, this technique was used by Paul Hebert in, two, in 2003 as a taxonomic method uh, to identify a species. And it's a method in which species फाइड बाई यूजिंग स्मॉल फ्राम द जिनोम द वे सुपर मार्केट स्कैनर डिस्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स जैसे हम मार्केट में अगर जाते हैं तो वहां जो स्कैनर लगा होता है जैसे जैसे वो स्कैनर के सामने चीजें लाते हैं तो वो उसकी प्राइस आती जाती है इसी तरह हर स्पीशीज का एक खास उसका जो जिनोम होता है उसमें से खास हिस्सा जो है उसको सीक्वेंस करके वो उस स्पीशीज का टैग बन जाते हैं और जैसे हम प्रोडक्ट को स्कैन करके उसकी प्राइस आ, सुपरमार्केट में आ, से वो टोटल जो बिल होता है वो कैलकुलेट करते हैं इसी तरह आ, स्पीशीज का वो जो जिनोम का हिस्सा होता है उसको सीक्वेंस करके आ, उसको टैग के तौर तो पर यूज करके हम उस स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो एक टेक्सोलॉमिक मेथड होता है जिसमें जीनोम का खास हिस्सा सीक्वेंस करके उस स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सो फार स्पीशीज आर आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल मेथड्स बट दिस इज एडवांस्ड मेथड जिसमें का मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बजाय जो uh, बाकी uh, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसको यूज करके उस स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं जो मेन गोल होता है इसका दैट इज नॉट टू डिटरमिन रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट स्पीशीज बट टू आइडेंटिफाई द अननोन स्पीशीज इट यूज शॉर्ट डी एन ए सीक्वेंस फ्रॉम अ स्टैंडर्ड जीनोम एज अ मार्कर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज जैसे हमने पहले कहा कि हम उसका पूरा जिनोम सिक्वेंस के तौर पर नहीं लेते हैं बल्कि उस जीनोम का छोटा हिस्सा जो होता है और नॉर्मली एक माइंडोडियल जीन है जिसका नाम है साइट ऑक्सीडेज सब यूनिट वन या सीओ वन जो 658 बेस पेस लॉन्ग है आमतौर पे इसी जीन को हम किसी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं वजह यह है कि जो माइटोकॉन्डियल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सब यूनिट वन या सी वन जीन है ये हर स्पीशीज के लिए इसका सीक्वेंस अलग अलग होता है एक स्पीशीज के डिफरेंट मेम्बर्स में इसका सीक्वेंस सेम है मगर डिफरेंट स्पीशीज के अंदर इसका सीक्वेंस डिफेंड होता है तो इसको हम सीक्वेंस uh, डिटरमिन करके एक टैग के तौर पे यूज करते हैं और इस तरह स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया जाता है uh, कि इसमें जाहिर किया, किया जाएगा uh, इसमें हम कोई भी जो स्पीशीज है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना हो उसमें सैंपल लेके उसमें से डीएनए सेपरेट uh, करते हैं डीएनए uh, सेपरेट करके uh, जाहिर बार्कोट रीजन जो होता है उसको आइसोलेट किया जाता है उसको एम्प्लीफाई किया जाता है और उसको सीक्वेंस करके जो है न्यूक्लोटाइड का जो सीक्वेंस होता है उसके तौर तो पे यूज किया जाता है इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ जो प्रोजेक्ट है डेट हैज बिन डेवलप्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड वंस बारकोड सीक्वेंस इज आइडेंटिफाइड इट इज प्लेस्ड ऑन द लाइफ डेटा सिस्टम्स डेटाबेस एक डेटाबेस है जिसमें जो भी स्पीशीज का जो एक बार कोड कोड, जो सीक्वेंस है जब वो आ जाता है तो वहां पे साथ साथ उसको ऑपरेट करते जाते हैं इस तमाम स्पीशीज का जो एक तरह से डाटा बेस है वो एकमोलेट होता जाता है डीएनए बार कोडिंग अलाउस यूजर्स टू रिकोगनाइज नोन एंड द न्यू स्पीशीज